अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये दिल्ली का लाल किला है। कई सौ साल के गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने से और लाल किले से उनका झंडा हटाकर अपना तिरंगा लगा देने से क्या गुलामी वाकई दूर हो गई? सच तो यह है कि आज भी हमारे देश के लोग गरीबी के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं, डर है बढ़ती बेरोजगारी का, भविष्य का और महंगाई से पैदा होने वाले तनाव का। राज करने वाले आज भी उसी तरह राज कर रहे हैं। कोई पूंजीपति है तो कोई नेता है तो कोई। ये कहानी भी राज करने वाले एक ऐसे ही राजा की है, ऐसे जालिम राजा की जो आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तुम इधर आओ। तू
तो बड़ी तकदीर वाली है आ? जो तुझे मेरे निशान का आशीर्वाद मिल गया। आओ, यहाँ पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है, सिर्फ एक चीट छोड़कर, जिस पर मेरा ये निशान नहीं है उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है वहां मौत है मौत। ले बेटी, एक साल के लिए इसे माथे पर लगा ले, जा भाग। बैठ। बच्चे ने इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, इसने मेरा दिल जीत लिया है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हंसो, जोर से हंसो, स्टूल लाओ। तुमने हमारा दिल जीत लिया है, ये देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया, और अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा। कहानी? हाँ, एक सच्ची कहानी। लो सेब खाओ, सेब खाओ। सुनाओ कहानी। एक था राजा, सारी रियासत में उसी का राज था, उसी का झंडा लहराता था, वो देखो झंडा। बेटे फिर कुछ पागल चिल्लाने लगे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, और तभी एक पागल ने मेरा सुंदर सा झंडा हटाकर उसकी जगह तीन रंग का तिरंगा झंडा लगा दिया। अरे हमारा झंडा तो अंग्रेजों ने भी नहीं हटाया था, फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है? राजा को गुस्सा आया, उसने तलवार उठाई और तिरंगे झंडे वाले का सर काट दिया। वो था राजा, और राजा तो कुछ भी कर सकता है, कर सकता है ना? हाँ, कर सकता है। बड़े समझदार बच्चे हो। लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। फिर क्या हुआ? फिर तिरंगे झंडे वाले की पुलिस आ गई, उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, सब लोग राजा से डरते थे। राजा से डरना ही चाहिए ना? समझदार हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारी उम्र का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे झंडे वाले का खून राजा ने किया है। उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया, राजा की रानी ये देखते ही मर गई,
उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया, खत्म कर दिया। तभी राजा ने सोचा कि जब तक इस देश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर, इतना खौफ भर दूं कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगह ही नहीं रहे। और इस बच्चे ने तो आज हमारा दिल जीत लिया है, हम इस पर बहुत खुश हैं। आज सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। नाचो नाचो नाचो। तू दर्द देता है तो उसकी दवा पहले पैदा कर देता है। तूने ये शैतान तो बना दिए, लेकिन इनके जुर्म से बचाने के लिए फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? फरिश्ते पैदा करना भूल गया क्या? या अल्लाह,
राव रानोजीराव शिवाजीराव का एक बार जारी मुख अर्जुन ठांग गए बड़े बड़ों को टांग चुका हूँ। अगर मेरे इलाके में चोर चकारी की तो तुम दोनों को भी टांग दूंगा। समझ लचका है? चोरी? जब से आपने चाय संभाला जी चोरी छूट गई हमारी। आजकल तो हम सोशल वर्क करते हैं। गुड सर। सर आपका पर्स। तेरी तो दो चिकन तंदूरी, दो चिकन फ्राई, दो चिकन पाई, दो चिकन हांगकांग, दो प्लेटें पिंग पॉंग, सारे गांव पादनी सा, सारे धापा मगरे सा, 12 प्लेटें हो गई, 12 प्लेटें आप खा चुके, सब मिलाकर हो गई 24 प्लेटें। 24 और ले आओ। क्या 24 प्लेटें और? एक काम करो 24 रहने दो, दो दर्जन ले आओ। ये बात हुई ना? ओके 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 ओके। अरे सुनो रेड पैरेट। यस सर। वो अपने धीरू भाई है ना, उसे कोई मुर्गी मुर्गी खिलाए कि नहीं? धीरू मुर्गी नहीं खाता, मुर्गी का दूध पीता है। उसका बस चले तो वो बटेरी का चींटी का दूध भी पी जाए। उसे मलाई मार के दूध पिलाओ। वाह, दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और। खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त
और दुधारू गाय का हो, आप जैसी। मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दुधारू और तंदुरुस्त नहीं है? आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजीत देखने से तो पता लगता है ना। देखने से? हाँ, वो कहा है कि आजकल हम तुम्हारे पिछवाड़े जो रहने लगे, अक्सर तुम्हारी बंधी हुई गाय नजर आती है, बहुत तंदुरुस्त है। कभी कभी आ जाएं घर दूध पीने के लिए। हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी चलें? अभी? हाँ, वो कहा है कि हम मथुरा के रहने वाले हैं ना, किशन कन्हैया की नगरी के, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। कहा कह रहे थे हम दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते, चाहे वो दूध किसी गाय का हो या भैंस का हो। और सांड का? तुम? हाँ मैं। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गया ना तुम्हारे ठिकाने तक। कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी? उस दिन तुम लोगों ने मेरा 5 लाख का नुकसान कराया, आज बदले में मैंने 5 मन सांड का दूध ना पिलाया तो मेरा नाम भी छेदी राम नहीं। अबे छेदी राम, आज आपने गलत जगह हाथ डाल दिया ना। मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, वेरी वेरी बिजी ड्रिंकिंग काउज मिल्क। और दूसरी बात ये कि आज मेरा फाइटिंग डे नहीं है। फाइटिंग डे उसका, देख वो बैठा, उसको जाके सांड का दूध पिला। हाँ, और मेरे को गाय का दूध पीने दे। अबे ओए। हाँ समझ गया। देख, अगर तैने उसको चित कर दिया तो समझ ले मैं भी चित, और तेरे 5 लाख का नुकसान मैं भरूंगा। अब जा, डू नॉट डिस्टर्ब। ये बात है? हाँ। तो फिर देख तमाशा। हाय हाय। ये भी गया? ओए, तू आदमी है पत्थर का थैला, कोई रिएक्शन नहीं दे रही है? ओए मोटे, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं मार रही हूं, तू खा रही है? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो आप मैं खाना खिलाता हूं। अबे छेदी राम, अब तेरे छेद का क्या होगा? अरे अरे क्या कर रही हो? आता हूं आता हूं। खत्म हो गया। डू नॉट डिस्टर्ब। क्यों रे छुद्दो, तेरे भेजे के छेद खुले के दुमक रख के? नहीं नहीं उस्ताद, 15 किलो का हाथ दोबारा नहीं खा सकता। छुद्दू राम जी, 15 किलो का हाथ भारी लगे तो उंगली चलेगी क्या? नहीं ना उस्ताद, इस जन्म के लिए अब गुरु में चला। एक बात सुन ले छेदी राम, वो हेरा फेरी करे तो भी छोड़ दूं, चोरी चिकारी करे तो भी मैं छोड़ दूं, और कोई छोरी ने छेड़े उसे भी मैं माफ कर दूं, पर कोई मेरे भोजन की तरफ आंख उठा के देखे, उसकी आंख नोच लूं, उसकी टांग पे टांग रख के चीर के सब उसके गले में डाल के उसके बेबे के पास भेज दूं मैं। उस्ताद इस बार माफ कर दो। क्या माफ किया? तू माफी देने वाला कौन है? बहन के टके तेरा के बापू लग गया। अरे ये सब छोड़ो, घर में तूफान आया, रामू से पूछो। बता यार क्या हुआ? गायत्री दीदी बहुत गुस्से में है, सुबह से अब तक भूखी प्यासी तुम लोगों का इंतजार कर रही है। हद हो गई इंतजार की, देख लूंगी दोनों को, उन्हें तो इतना भी ख्याल नहीं कि आज रक्षाबंधन है। अरे बैठ गए होंगे कहीं दारू पीने, क्यों शाम? हाँ दीदी, आजकल तो उन लोगों ने कोठे पर जाना शुरू कर दिया, और वो भी दिन में। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये लीजिए झाड़ू, इससे अच्छी पिटाई होगी। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं कि बहन सुबह से इंतजार कर रही है, वो भी भूखी प्यासी, वो भी बेचारी सुबह से कुछ खाए नहीं। अबे सुबह से नहीं, कल से। कल से? हाँ। कल तो सोमवार का व्रत था दीदी का। दीदी दीदी, आपके दोनों हाथों में कुछ होना चाहिए। ये लीजिए लाठी। हाँ, इससे तो और अच्छी मार पड़ेगी। अब मैं देखती हूँ उन्हें, क्या समझते हैं? मजा आएगा
तुम दोनों मुझसे मेरे भाइयों की पिटाई कराना चाहते हो? अरे तुम्हें तो ऐसा जोर से मारूंगी कि सीधा तुम लोग पहुंच जाओगे दिल्ली। आहिस्ता आहिस्ता दीदी आहिस्ता, मुझे दिल्ली नहीं, मुझे आगरा और मुझे मथुरा। आगरा मथुरा। मेरे नन्हे मुन्नु, अरे मेरी मौसी। क्या भूल गए क्या आज रक्षाबंधन है? कैसे भूल सकते हैं, हम किसी बंधन को नहीं भूल सकते। मौसी तुम रक्षाबंधन की बात कर रहे हो, हम कैसे भूल सकते हैं धीरू? सवाल ही नहीं उठता रक्षाबंधन और हम भूल जाए, हो ही नहीं सकता। आज भी याद है? हाँ आज भी याद है, इसलिए हमने सोचा था कि क्या सोचा था कि हाँ यही कि आज रक्षाबंधन है, सबके लिए कुछ ना कुछ ले चले आए हैं जी। हम आज लेके आए हैं अपने काका के लिए साड़ी, मौसी के लिए कंबल। वीरू मेरे लिए साड़ी? अरे नहीं नहीं, ये क्या काका के लिए कंबल, मौसी के लिए साड़ी। काका के लिए कंबल, मौसी के लिए साड़ी। देख रही है क्या? बड़े लिख रहे हैं मिठाइयों का, पी रही है, आ भी रही है। अरे ये तो मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ चले? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों को। अरे इधर आओ। अरे वहाँ क्या भाग रहे हो? इधर आओ। ये क्या नाटक लगा रखा है? नाटक? नाटक नहीं तो और क्या? ये साड़ी, ये कंबल, ये मिठाइयाँ, इन सब चीजों से बस्ती वालों का दिल बहल सकता है, मेरा नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी हमारे जज्बात को नहीं समझती। बात ये है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह जानती हूँ। तीन तीन दिन तक तुम लोग घर से गायब रहते हो, मोहनलाल को भेजने के बाद आज तुम लोग घर आए हो। समझ के रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? ये भी नहीं जानते कि आज रक्षाबंधन का दिन है। बहन बेचारी भूखी प्यासी तुम्हारे लिए सुबह से इंतजार कर रही है। आज अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तुम लोग करते ऐसा उसके साथ? करते ऐसा अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो? लेकिन तुम क्या जानो बहन के प्यार को, नाटकबाज कहीं के। तुम तो सिर्फ नाटक करना जानते हो, प्यार थोड़े ही। संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है, कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। जिस दिन हम तुमको ना देखे उस दिन होती भोर नहीं, प्रीत हमारी टूट नहीं सकती ये कच्ची डोर नहीं। जिस दिन हम तुमको ना देखें
भी उस दिन होती भोर नहीं। संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। क्यों ही हस्ती गाती रहे तू रब से रोज दुआ मांगू। अपनी खुशियाँ तुझको दूँ तुझसे हर दुख तेरा मांगू। क्यों ही हस्ती गाती रहे तू रब से रोज दुआ मांगू। अपनी खुशियाँ तुझको दूँ तुझसे हर दुख तेरा मांगू। बहन आओ। क्या हुआ? मेरे घुटने में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। एक एस्पिरिन की गोली ला दो। नहीं मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं दबाने की जरूरत नहीं है। ये क्या? ये क्या? घुटना है, घुटना है, घुटना है। ये घुटना है? ये क्या, किसने रखी है ये दारू? तुमने रखी है? ये मैंने रखी। मैं समझ गया, ये धीरू। ओ धीरू, मुझे मरवाना चाहता है तू। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा ये ड्रामा और नाटक। आइंदा फिर कभी इसे हाथ भी लगाया तो देख लूंगी तुम्हें। एक मिनट, इसके साथ ढक्कन भी है, ये लेके जा। जब देखो दारू दारू। हाथ नहीं लगाऊंगा लेके। धीरू, गायत्री बहन, ये देखिए गौर निकल आई। ये धीरू कितनी बोतल यहाँ रखी है। देखती हूँ कहाँ से पी के। गुड गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो माय डार्लिंग। अब आएगी तो एक और भी है, 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 है। हाँ जी, हाँ जी, आया जी, आया, आया जी, आया। चाय वाला, गर्मा गर्म चाय। ओह माय गॉड,
अगर मैं ससुराल चली गई तब तुम लोगों का क्या होगा? चलो उठो, उठो। क्या हुआ, क्या हुआ? चलो उठो, चाय ठंडी हो रही है। पहले उसको तो उठाओ। फिरू सुबह हो चुकी है, उठो। कौन है, कौन है? उसको उठाओ, उठाओ उसको। फिर सो गए? गेट अप। बी जेंटल, बी जेंटल। वो देखो फिर सो गया, बहुत दारू पिया था रात को। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मेरा सर दुख रहा है, सोने देना मुझे। उसको उठा, उठा उसको। वो उठ चुका। अरे तुम फिर सो गए? चलो अभी नाउ गेट अप, उठ जा, उठ जा। काम पर नहीं जाना, उठ जा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली, चलो उठो। तू अच्छी बहन है, लेकिन लेकिन एक ही खराबी है। खराबी मुझ में नहीं, तुम लोगों में है। ये सब क्या है? यहाँ देखो कपड़े, वहाँ देखो कपड़े। गायत्री कितनी मेहनत से चाय बना कर लाई है और तुम इसे ठंडी कर रही हो? जरा इसके बारे में भी सोचो। ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे? पहाड़ जैसी बहन घर में बैठी है, शादी की उम्र हो गई है, कभी इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा है? तुम्हारे पास इसका जवाब? मैं तुमसे भी पूछती हूँ, तुमने कभी कोई लूला ढूंढा मेरे लिए? तुम जैसे निठल्ले भाइयों के भरोसे बैठी रही तो मैं सारी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी। मैं चली। कहाँ चली? अपने लिए दूल्हा ढूंढने। क्या ऊंचा ख्याल है, ऊंचा भी और सुंदर भी। अरे अगर ये कहें तो मैं बिना दहेज के ही शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी। अबे चुप्पे, शादी करने से पहले अपनी पढ़ाई कर लेना जरूरी है। जरूरी। और मैं तो अपनी पढ़ाई पहले पूरी करूँगा। तो हट जाओ पीछे, सबसे पहले मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। तो बच्चों पढ़ाई शुरू करें। ओके। अच्छी है, गहरी है, कोई भी डूब सकता है। बी फॉर बटन, अच्छा है। 36, 24, 36। और सी फॉर? सी फॉर मुझे शर्म आती है, तू बता दे। मैं बताऊँ सी फॉर क्या होता है? अच्छा तो आपको मालूम है? हाँ क्यों नहीं, सबको मालूम है। तो पहले मुझे बताइए। पहले आपको? नहीं पहले मुझे बताइए ना। एक मिनट, पहले इनको बता। अच्छा बता दीजिए। आप ये पकड़ेंगे? माय प्लेजर। हाँ तो सी फॉर होता है चांटा, और डी फॉर होता है डंडा। अगर तुम लोगों को मेरे भाइयों का डंडा पड़ जाए तो ये जो खूबसूरत अंडे जैसी खोपड़ियां है ना, इनका बन जाएगा ऑमलेट। समझे? लाओ इधर। ऑमलेट तो तेरा आज हम बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। घबरो नका, आता हीरो आला। हिचायला अबे घनगोलो, पटे हुए ढोलो, अपने आप को क्या अमरीशपुरी के पोते समझते हो? समझते हैं। तो पिछले 15-15 सालों से साले फेल होते जा रहे हो, फिर भी लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते? ये अपुन का धंधा है। बड़ा गंदा है ये, प्राण का भूत आप लोग के सर से उतारना ही पड़ेगा। उतार दो। हीरोइन खतरे में है और उसे बचाने के लिए हीरो ठीक वक्त पे पहुंच जाता है। हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए डायरेक्टर ने तो बहुत ही घिसी पिटी सिचुएशन रखी है, लेकिन मैंने जमा दिया ना अपना सीन अपने स्टाइल से। जायला क्या बुलबुल, मैं तेरा हीरो बन सकता हूँ? तेरा पीठ हटा दूँ। अब तो माफ कर दे मेरे बाप। क्या बस, नहीं अभी तो सिर्फ प्राण का भूत ही उतरा है। अरे अमरीशपुरी का भी उतर गया, उसके बड़े भाई मदनपुरी का भी उतर गया।
अब और एक मजेदार बात सुन लो, अगर आज के बाद किसी लड़के को छेड़ा तो तुम्हारी टांग तोड़कर हवालात के खूंटी पर ठांग दूंगा। मेरा नाम है ठांगे, अर्जुन रामोजी राव राणोजी राव शिवाजी राव गायकवाड़ जाड़ी छबुल ठांगे, बड़ों बड़ों को ठांग चुका हूँ, समझ लाज का। थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक्स? अरे कुछ दो यार, पी फॉर पपी। क्या क्या बात कर रहे हो? प्यार की बात कर रहा हूँ बुलबुल। जब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है, प्यार होना ही चाहिए, यही है सिचुएशन। अच्छा, तो ये सब आपकी बनाई हुई सिचुएशन थी, तो इसका मतलब है वो गुंडे भी आप ही के थे। तभी मैं कहूँ कि हिंदी फिल्मी हीरो की तरह मेरे सामने एक सेकंड में धाम धूम धड़ाम धूम किस तरह कर रहे हैं मुझे पटाने के लिए। लेकिन याद रहे मिस्टर टांगे। सिर्फ टांगे नहीं, अर्जुन राव रामोजी राव राणोजी राव शिवाजी राव गायकवाड़ जाड़ी चुमुल टांगे। हाँ हाँ मिस्टर, इतने लंबे चौड़े टांगे। आपका ये जो लड़कियों को पटाने का स्टाइल है ना, ये हो चुका है पुराना। अभी ऑडियंस को कुछ नयापन चाहिए। नयापन? चलिए झाड़ियों के पीछे जाएं। क्या? झाड़ियों के पीछे जाने के लिए शादी? मैडम शादी के लिए तो मैं 5 साल से आपके पीछे टंगा हूँ। हर रोज आपके कॉलेज के चक्कर मारते मारते मेरे टांगे सब घिस गए। चक्कर मारने वाले मिस्टर घनचक्कर, शादी के लिए मिलो मेरे भाइयों से। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बहुत टंग चुका हूँ, अब वो नहीं टंग सकता। अब बताइए आपसे शादी करने के लिए हमें क्या करना है। अब आए ना लाइन पर मिस्टर टांगे। याद रहे मेरे भाई बहुत परफेक्ट हैं, एकदम वेल मैनर्ड वेल कल्चर्ड, बहुत पढ़े लिखे एकदम इंग्लिश आदमी हैं, और उनके सामने तुम्हें भी वैसा बनना पड़ेगा। याद रहे सुबह ठीक 8 बजे इंग्लिश स्टाइल में गुड गुड कपड़े पहनकर दाढ़ी बनाकर टिप टॉप बनकर आना। ओके, फ्रेश होकर। बाय बाय। फ्रेश होकर? और मैं बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। बस आ गई। अरे बाबा वो आने वाला है। बस अब तैयार हो जाते। ओहो, न जाने तुम लोगों को कब अकल आएगी। अरे बड़े भाई होते हैं, बहन के लिए अच्छा सा लड़का तलाश करते हैं, उसे घर पर बुलाते हैं, बहन को अच्छे कपड़ों में सजाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। लड़का भी मैं ही तलाश करूँ, उसे घर पर भी मैं ही बुलाऊँ, और अब क्या तुम लोगों को कपड़े भी मैं ही पहनूं। कपड़े तुमने पहन लिए, ये देखो, इसने बोला कि जितने मैंने कैदी में पहने थे अच्छे लग रहे हैं ना। ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। और ये सब क्या है, इतनी गंदगी? माय गुडनेस, मैंने उससे कहा था मेरे भाई एकदम सुपर क्लास वेल मैनर्ड वेल बिहेव, बहुत सफाई पसंद आदमी है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। न जाने क्या इम्प्रेशन पड़ने वाला है। एक्सप्रेशन तो ऐसा पड़ेगा, डिंग 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 डिंग, परस्पिरेशन भी अच्छा पड़ेगा, तुम फिक्र न करो। ऐसा रोप जमाएंगे, ऐसा आज रोप जमाएंगे कि वो याद रखेगा। लगता है वो आगे। गायत्री माय डॉर्लिंग, ए लड़के, मेरा नाम है राणोजी राव रामोजी राव शिवाजी राव गायकवाड़ जाड़ी छबुल अर्जुन ठांग। भाई लोग घर में हैं? क्या काम है? उम्र भर के बंधन में बांधने के लिए हथकड़ियां लाया। हथकड़ी? हथकड़ी? हथकड़ी क्यों? क्योंकि पुलिस आई है, वो भी इंस्पेक्टर टांगे। टांगे? टांगे हमारी सिचुएशन में टांग अड़ाने कहां से आ गया? और ऐसी सिचुएशन में अगर गायत्री का होने वाला पति सिचुएट हो गया तो वो क्या सोचेगा कि हम चोर बदमाश हैं? और ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए पुलिस आती है, हमारे रुबाब का क्या होगा? चलो भाग चले। अरे ऐसी सिचुएशन में भागना ठीक नहीं है। वेरी डेंजरस सिचुएशन। चुप। अरे वो स्मगलर का जो माल मारा था वो यहाँ तो नहीं रखा है? वो तो मैंने कब का सुलटा दिया है। वो सोने के बिस्किट्स, मैं सुबह चाय के साथ खा गया था। मुझे कहाँ याद है, कहाँ रखे? मजाक मत कर, सोच सोच सोच। क्या सोचूं? तुम लोग ये शराब की बोतलें यहाँ से हटाओ, जल्दी करो, हरी हरी करो, हरी। अरे तू खड़ा खड़ा वहाँ क्या कर रहा है? सोच सोच। धीरू, आटे वाले में, आटे वाले में, आटे वाले आटा। अरे अरे ये तू क्या कर रहा है? अरे अरे भाई ये सब गोल्ड है, गोल्ड रोल गोल्ड नहीं है। अच्छा बाबा, सिर्फ गोल्ड ही दिखाते रहोगे, अंदर जाके इंटरव्यू भी दोगे? हम चलते हैं, आप भी साथ में आ जाइए, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी। नो सपोर्ट, आप अकेले ही जाएंगे, हम भी देखें आपको इंटरव्यू में कितने नंबर मिलते हैं। मौसी आशीर्वाद। जीते रहो काका, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, जीते रहो बेटे।
बीवी आशीर्वाद दी। ये क्या कर रहे हो? जो शादी के बाद करना पड़ता है वो अभी कर रहा हूँ। ओह शट अप, प्लीज गो। यस। सफाई का तो हो गया सत्यानाश। अबे गायत्री देखेगी तो और मारेगी। अरे बिस्किट की फिक्र मत करो, गायत्री की फिक्र मत करो। जब बिस्किट हमें नहीं मिला उसे क्या मिलेगा? आ गया आ गया। वाह क्या सफाई है। हमें कुछ सफाई ज्यादा ही पसंद है। वी आर इंटरनेशनल ड्राई क्लीनर प्राइवेट लिमिटेड सर, यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? यू नो बिलीव। तुम यहां भी चोरी करने आ गए? फंस गए सिचुएशन, कुछ कर सिचुएशन। सर सिचुएशन इज दिस सर, यू कम हियर आई मेक यू अंडरस्टैंड सिचुएशन इज दिस, आई go there to police station, good situation, you come here, bad situation, to this is a situation of my life and death situation, if this situation go out of hand, it will be nothing sir, please help the situation. Shut up! No shut up situation, this is setting situation, he knows no English situation, English knows me situation, me samjhao situation, very simple situation, we brother situation, one sister situation, shadi situation. शादी सिचुएशन, लड़का देखो सिचुएशन, लड़का देखो सिचुएशन, लड़का कमिंग सिचुएशन, लड़का कमिंग सिचुएशन, पुलिस सिंग सिचुएशन, पुलिस सिंग सिचुएशन, लड़का भागो सिचुएशन। यू अंडरस्टैंड सिचुएशन सर, दिस इज अस। शट अप, यू शट अप। लड़का भागो सिचुएशन, सैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन, डेथ सिचुएशन। यस, आंसू सिचुएशन, आंसू सिचुएशन, आंसू सिचुएशन, क्राइंग सिचुएशन, प्रेयर सिचुएशन, बैड सिचुएशन, प्रेयर सिचुएशन, प्रेयर सिचुएशन, हाथ जोड़ो सिचुएशन, हाथ जोड़ो सिचुएशन, यू शट अप, यू गो सिचुएशन, आई समझाओ सिचुएशन, यू समझाओ सिचुएशन, ओह खामोश। नो सर, अंडरवेयर स्टैंड सिचुएशन। अंडरवेयर नहीं बाबा, अंडरस्टैंड सिचुएशन। नाउ यू आर राइट इन सिचुएशन सर। सी आई एम गायत्री'स लवर सिचुएशन, दिस इज सेटिंग राइट सिचुएशन, यू आर गायत्री'स ब्रदर सिचुएशन, राइट सर, एंड दिस इज लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, दिस इज लाइफ लॉन्ग मैरिज सिचुएशन। यस सर। सिमला में छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर कहीं दूर जाना पड़ेगा, अगर चिट्ठी वगैरह ना मिले तो परेशान मत होना। एक प्रार्थना है जी, हम दोनों का गायत्री के सिवा दुनिया में कोई नहीं, इसका ख्याल रखना। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन गायत्री की आंखों में आंसू नहीं देख सकते।
आप गायत्री की जरा भी चिंता मत कीजिए, मेरे जीते जी गायत्री को कोई तकलीफ नहीं होगी। भैया मेरे जाने के बाद तुम लोग बहुत अकेले हो जाओगे, अब इस घर में एक भाभी की जरूरत है, तुम एक अच्छी सी लड़की तलाश करके मुझे जल्दी खत लिखना, और वीरू भैया को तो अब शीला की और भी याद आएगी, तुम उनका ख्याल रखना। बहन की विदाई ने तुम दोनों को कितना अकेला कर दिया है। मुझसे ज्यादा वीरू को। कैसे? वीरू के दिल के वो जख्म फिर से हरे हो गए हैं जिन्हें कभी गायत्री बहन के प्यार ने भुला दिए थे। कैसे जख्म? शीला का जख्म। शीला? बस्ती में आने से पहले हम दोनों पुलिस बैंड में हुआ करते थे। अक्सर सुबह ट्रेनिंग के वक्त हमारे कमांडेंट की बेटी शीला जॉगिंग करने को निकलती थी, जिसे देखकर हमारे वीरू की धुन बदल जाती थी। अरे डरता क्यों है, चल चल। ये आगे कले करने। इसमें राम मत डालना। क्यों क्यों मत डालना? क्यों भाई, क्यों ना डाले? देखो भाई, मेरी है शादी और मैं लड़की के बाप से बात करने जा रहा हूँ। हाँ, इसके कपड़े खराब हो गए तो ये जिंदगी भर के लिए कुंवारा रह जाएगा, इसकी सिचुएशन का स्वाहा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब प्यार का मामला है। समझने की बात करो भाई, शादी अगर नहीं हुई तो फिर जी लोग तो कुंवारे ही। हाँ, तो रंग नहीं डालेंगे। आ, मगर एक शर्त है। जरा हाथ इधर लाओ, इधर लाओ। हाथ ले ला। ये ला। अगर बात बन जाए तो उसकी मांग में ये भर देना। अरे तेरे मुंह में दो बोरी गुड़, तीन बोरी शक्कर और एक ड्रम रम का। कमिश्नर, तूने मेरे आदमियों को फांसी दिलवाई थी, इसलिए मैंने तेरे पोती का ही नहीं बल्कि तमाम पुलिस वालों की बहन बेटियों का भी कत्ल कर दिया।
कहता हूं छोड़ इसे। तुम कानून के मुहाफिज़ होके कानून नहीं तोड़ सकते, इसे तुम हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, खबरदार। जो किसी ने कदम भी बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। मार मेरे यार वीरू, मार इसे। मैं देखता हूं किस माइक के लाल में ताकत है जो तुझे शीला के हत्यारे को मारने से रोक सके। मार इसे, मार, तब तक मार जब तक ये मर नहीं जाता। हालांकि इन दोनों ने एक आतंकवादी की हत्या की है, लेकिन हत्या एक हत्या है, चाहे वो अच्छे आदमी की हो या बुरे आदमी की। इसलिए अदालत वीरेंद्र कुमार और धीरेंद्र कुमार को 5-5 साल की कड़ी मेहनत की सजा देती है। थिरू, मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई रे। देख, दोस्त है तो जिंदगी है, दोस्त नहीं तो जिंदगी नहीं। थिरू, थिरू मेरे यार। फिर उन्हीं यादों में खो गया। याद है हमने जेल से निकलने के बाद फैसला किया था कि हम हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, मस्त रहेंगे, दूसरों के लिए जिंदा रहेंगे, उनके सुख में ही अपना सुख देखेंगे। सोचा तो यही था धीरू, पर मैं क्या करूं, शीला को भूल नहीं सकता। गायत्री के जाने के बाद तो अकेलापन और भी गहरा हो गया है। जैसे जिंदगी थक गई है, रुक गई है, अब सिर्फ मौत के साए का इंतजार कर रही है। जिंदगी तो किसी का इंतजार नहीं करती दोस्त, जिंदगी तो नदी की तरह है, जो बहती रहे तो सागर से मिल जाती है और रुक गई तो सड़ जाती है, सूख जाती है, मर जाती है। याद है हमने गायत्री से वादा किया था कि सारी बस्ती वालों के लिए पक्के घर बनवाएंगे। इस बात को भी 6 महीने हो गए। हाँ, हाँ धीरू, हम गायत्री को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करेंगे। चल, इस काम को पूरा करने के लिए कहीं किसी काम की तलाश करते हैं। We'll be right back.
तू जाना, मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ, जा। क्या नाम है तेरा? गौरी। कहते हैं मुझे अंगूरी। फिर क्यों है इतनी दूरी? अपनी भी है कुछ मजबूरी। अरे मजबूरी मिटा दे, प्यासा हूँ पिला दे। क्या वो क्या है कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ ना, कृष्ण कन्हैया की नगरी का, इसलिए दूध 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 ही पीता हूँ। अरे ओ मथुरा के ग्वाले, कोई बुला रहा है? Always milking, milking, drinking, drinking, no serious working. Come here. Coming. क्यों भेड़ू, क्या बात है? गुरु, एक इतना बड़ा काम लाया हूँ कि एक ही झटके में लखपति। अबे तू लखपति क्यों नहीं बन जाता? हाँ, ये काम अपुन के बस का नहीं है गुरु, इसके लिए तो आप जैसे तो सुपरमैन चाहिए। बस अपुन की झोली में 2-4% कमीशन जरूर डाल देना। हाँ, काम क्या है ये तो नहीं मालूम ना, पर सुना है काम बड़े लफड़े का है। लफड़े का है तो फिर क्या सोचना है? क्यों धीरू? हाँ वीरू, इसी बात पर चीज हो जाए। हो जाए, हो जाए। आपके लिए दूध। दूध 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 दूध। गुस्ताखी की माफी मांगू गुरु, लेकिन हुकुम था कि आपको यह लाना इस वैन में, वो भी बेहोश करके, ताकि आपको रास्ते और जगह का पता न लगे। और तू समझा के हम बेहोश हो गए? क्यों छेदी? छेदीलाल, तन्ने समझा हम खाते रहते हैं और खराटे लेते रहते हैं। हमारे घुटने की आंख ने देख लिया था कब तूने गिलास के छेद में गोली डाली, कब गाड़ी के छेद में हमें डाला, और कब गाड़ी वैन के छेद में आई है, और अब ये वैन काली गुफा की तरफ जा रही है। वेरी गुड छेदी राम, तुम बहुत समझदार आदमी लेकर आए हो। इनकी अकलमंदी के लिए हम इन्हें 100 में से 100 नंबर देते हैं, लेकिन तुम इन्हें हुक्म के मुताबिक बेहोश करके नहीं लाए। ये लोग अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ आए हैं, और इस बेवकूफी के लिए तुम्हें 100 में से 0 नंबर दिए जाते हैं। नहीं। हाय हाय, काबू रख, बटन दबा दिया तो छेदीलाल की तरह कोयला बनाकर छेद में डाल देगी। बहरहाल अब जिस काम के लिए आपको यहाँ बुलाया है उसे ध्यान से सुन लीजिए। जी बिल्कुल। ये राजनगर है, यहाँ सिर्फ हमारे राजा साहब का राज चलता है, उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ये बात हमारे देश की सरकार को किसी तरह पता चल गई और उन्होंने यहाँ BSF भेज दी है। किसी भी गांव में फौज बहुत दिन नहीं रह सकती, और ये फौज भी जाने वाली है। इसकी जगह राजनगर में फिर से पुलिस चौकी खोलने के लिए कुछ चुने हुए कमांडोज भेजे जा रहे हैं। हमारे राजा साहब नहीं चाहते कि ये कमांडोज राजनगर तक पहुंचे, इसलिए उनके वहां पहुंचने से पहले ही इन्हें खत्म करना है। खत्म करना है? क्यों? इनका मतलब है कि इन कमांडोस को राजनगर पहुंचने से पहले क्यों खत्म करना है? राजनगर में भी खत्म किया जा सकता है, बल्कि वहां खत्म करना तो और भी आसान होगा। नहीं, उनको वहां खत्म नहीं किया जा सकता। कमाल करते हैं जी, वहां तो राजा जी का राज है, वहां तो उनको खत्म करना और भी आसान रहेगा। राजनगर से 300 किलोमीटर पहले सलीमपुर का बड़ा थाना है, कमांडोस पहले वहां रिपोर्ट करेंगे, फिर राजनगर जाकर पुलिस चौकी खोलेंगे। और आपके राजा साहब चाहते हैं कि उनकी जगह कमांडोज बनकर हम सलीमपुर थाने में रिपोर्ट करें, ताकि अगर सलीमपुर का कोई अफसर राजनगर आ जाए तो उसे शक ना हो, यही ना? और इसीलिए सलीमपुर पहुंचने से पहले कमांडोज को खत्म करना है।
You're right. Right route क्या ठीक है जी? आपने तो right ऐसे कह दिया जैसे दावत खाने के लिए भेजेंगे। काम बहुत सख्त है जी, इसलिए कम से कम 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? 6-7 लाख तो कम से कम मिलने चाहिए। आखिर वहाँ पुलिस स्टेशन भी तो खोलना है ना। हम तुम्हें 10 लाख देंगे और वो भी एडवांस। कमांडोस कब जा रहे हैं? कमांडोस को मारकर इन लोगों ने आधा काम तो कर लिया है। लगता है परसों सुबह तक ये लोग सलीमपुर थाना पहुंच जाएंगे। ओवर। राई काट दो। यहाँ से राजनगर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। रास्ता भी बहुत खराब है। वहां तक पहुंचने के लिए 30 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। वहां का राजा जयचंद विदेशी ताकतों से मिलकर देश के खिलाफ कोई खतरनाक कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। हमें कांटेक्ट करने का जरिया सिर्फ ये ट्रांसमीटर है। अभी तक वहां BSF मौजूद थी तो थोड़ी शांति थी। तुम्हारा काम राजा जयचंद के अड्डे का पता लगाना है। ये काम तुम्हें बहुत होशियारी से करना होगा। पूरे गांव की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। राजा जयचंद बहुत खतरनाक आदमी है। इसके अलावा और कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, वहाँ खतरा ही खतरा है या कोई खूबसूरत चीज भी है? सर, भाई का मतलब है वहाँ कोई खूबसूरत खतरा है? है, एक खूबसूरत चीज है जिसका नाम है रस भरी। लेकिन हमारी राय में आप उससे दूरी रहिएगा क्योंकि वो राजा जयचंद से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे देख देख देख, वो आ रही है। हाय पंडित जी, कुछ तो बताओ। चल हट। पंडित जी, मेरी किस्मत में ये सदके जाऊं। क्या तराजू जैसी चाल है। कभी ये पलड़ा ऊपर, कभी ये पलड़ा ऊपर, कभी ये पलड़ा ऊपर, कभी ये पलड़ा ऊपर। हाय रस भरी, जब से तू इस गांव में आई है तब से मेरे तराजू में तो जान ही नहीं रही। अच्छा? हाँ रस भरी, अगर तू तेरा तराजू एक दिन के लिए वजन करने को दे दे तो मैं अपना सब कुछ इसी में तोल दूंगा। हाँ रस भरी, अब दे देना अपना तराजू। दे दूं? दे दे। अबे भूतनी के, अपनी माँ का वजन नहीं लिया क्या साला? रस भरी, मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। मैं तो जन्म ही से भूखा प्यासा हूँ। थोड़ा रस मुझे भी पिला देना। पिएगा? हाँ। रस पिएगा? हाँ। अरे वो पंडित की पंडिताइन, तेरा पंडित रस मांग रहा है, दूं? इस रस्सी को तो मैं रस पिलाती हूँ। लो तुम ही पिला दो। रस पीने गया था। अरे नहीं, शर्म नहीं छोड़ आती। अरे छोड़ दो, अरे माफ कर दो मेरी माँ। अरे माफ नहीं लगती। माँ बोलता है आप किधर गया? वो देखा है? आए हाय रस भरी। बोल भूतनी के, अगर तू एक बार मेरे ठेले पर बैठ जाए हा? तो मैं तेरी तकदीर खोल दूंगा। सच? हाँ हाँ। तू मेरी तकदीर खोलेगा? हाँ हाँ। जल्दी बताओ कैसे बैठना है। मैं बताऊँ? हाँ। ऐसे। अरे वाह। ऐसे। अरे साले, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। रुको, मैं आपके हाथ तोड़ता हूँ। रुको, चल गया। अरे मुझे कहाँ बीच में लटका गया? अरे भाई भाई ठहरा रुको। और तुझे क्या चाहिए? बोल। एक बीवी। ये क्या है? यही तेरी तकदीर में है। अरे चाचा जी, मुझे रोको। रोको इसे। अरे मोटी बहन जी, क्या
आया। अपनी धोती दो जी। अरे वाह, क्या रूप की मटकी है। यहाँ भी आठ की है। अब यह दूध के शौकीन। दूध 4 रुपए किलो मिला करता था, अब आज तेरी वजह से 14 रुपए किलो हो गया है। और तेरा दूध पीने का शौक ऐसे ही बढ़ता गया ना तो 50 रुपए किलो हो जाएगा। अबे ये शहर नहीं गांव है, यहाँ की लड़कियां स्लीपर उतार लेती हैं। सिचुएशन बैड, लफड़ा मत कर यहाँ। मैं क्या लफड़ा कर रहा हूँ, वो तो जब भी मैं सुंदर शक्ल देखता हूँ अपने आप हो जाता है। मैं देखता हूँ कितना डैमेज हुआ है। अरे डैमेज क्या हुआ, अभी तो मटगाड़ गया, उसके बाद क्लच प्लेट जाएगी, फिर गियर टूटेगा। चल यार, सिचुएशन इज बैड। चल गाड़ी चला, ड्यूटी सिचुएशन। रसभरी तू मुझे बहुत भारी पड़ी। छोटे राजा साहब, वो लोग आ गए हैं। साहब लंदन पहुंच गए होंगे, उन्हें खबर कर दो कि उनके भेजे हुए सिपाही यहाँ पहुंच गए हैं। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। देखिए, आज से इस गांव की जिम्मेदारी आप दोनों के हवाले करके हम चलते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, इन गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये ठीक कह रहा है, हम इस गांव को और गांव वालों को अपना, बिल्कुल अपना समझ कर हिफाजत करेंगे। वेरी गुड। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। ना जाते तो अच्छा था, आपकी मौजूदगी से सारे गांव में शांति थी, किसी बात का डर नहीं था। हमारे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। घबराइए मत, आपके बच्चों की मुस्कानें हमेशा बनी रहेंगी, बरकरार रहेंगी। ये लोग बहुत बहादुर हैं। लेकिन साहब, जिस काम के लिए इतनी बड़ी फौज रखी गई थी, ये 5-6 लोग क्या कर पाएंगे, ये भी बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। ये लोग कोई साधारण सैनिक नहीं बल्कि कमांडो फोर्स के खास तौर पे चुने हुए बहादुर सैनिक हैं। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। आप लोग किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं दिलो जान जिगर सब कुछ लगा दूंगा। वो तो निकल लिया और हमें कौन से लफड़े में डाल के चला गया। लफड़ा लंबा हो या छोटा, मैंने तो कस लिया लंगोटा। चलो लगेज लेके चलो अंदर। वेरी नाइस चौकी, क्या रंग है, एकदम पक्का है। ये धीरू कहाँ है? रखवाली करने आए हो या मेरे पीछे पीछे चलने? आपके पास 15 मिनट है? हाँ है। मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। बोलो क्या बात है? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जानती हूँ। आप बहुत सुंदर हैं। वो भी पता है। आपकी चाल तराजू की तरह है, यही कहना चाहते हो ना? बहुत समझदार है आप, बहुत जल्दी समझ जाती है। देखो पुलिस बाबू, जो कहना है साफ साफ कहो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें?
दूध। दूध? हाँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ ना। हाँ। कृष्ण कन्हैया की नगरी का। हाँ। इसलिए दूध बहुत पीता हूँ। दूध मिलेगा तो इसके लिए इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? ऊपर गांव है, किसी भी घर में मांग लो, दूध मिल जाएगा। किसी भी घर में मिल जाएगा? हाँ, गांव में किसी भी घर में दूध मिल जाएगा। गाय का मिलेगा ना? हाँ, क्यों? खूबसूरत और तंदुरुस्त गाय का। यहाँ तो सब खूबसूरत और तंदुरुस्ती है। वो तो देख रहा हूँ, वहाँ नहीं मिला तो मैं आपके पास आ जाऊँ दूध पीने। माफ कीजिए, मेरे पास गाय नहीं, मैं है। तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग भी मैं का दूध पीते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आइए। अभी दूध पिला दो ना। साला खबरदार जो मेरा हाथ पकड़ा। मैं शहर की छोकरी नहीं हूँ, राजनगर की रसभरी हूँ। रसभरी मार मार के दुम्बा बना दूंगी। साला मुंह देखो, मैं दे चाहिए तू। वारे गुरु गुरु, ये तुम्हारे हाथ में आसानी से आने वाली नहीं है। अरे बच्चों, इसी में तो मजा है, जो आसानी से हाथ में ना आए। कभी गुस्सा दिखाए, कभी आंखें दिखाए, कभी झटके लगाए, कभी नखरे दिखाए, इसी में दू 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 पीने का मजा है। अब देखना गुरु का कमाल। गुरु का नहीं, दूध का कमाल। अच्छा, जिंदगी में प्यार करती थी। अरे हट जाओ, हट जाओ, रास्ता क्लियर, हटो हटो। मैं तुम्हारी अच्छी तरह मरम्मत करती हूँ। अरे 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 अरे, धोखेबाज, अंधेपन का नाटक करते हो, कहते हो दिखाई नहीं दे। प्यार में तो सभी अंधे हो जाते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? तुम शहरी लोग प्यार करना क्या जानो? प्यार करने वाले तो जान तक दे देते हैं। अरे सुनो, मैं तो जिंदा ही सिर्फ इसलिए हूँ कि तुमसे प्यार कर सकूँ, इकरार कर सकूँ तुम्हारे कदमों में। ये राजा साहब के भतीजे श्री गुलशन चंद्र जी हैं। आपकी खैर खबर पूछने आए हैं, आपके लिए कुछ तोहफे भी लाए हैं। यहां आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, यहां की हर खूबसूरत चीज आपकी है, ऐश कीजिए। देखा लोगों, हमने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया। बीएसएफ को भेजकर हमने पुलिस मंगवा ली। और ये पुलिस हमारी पुलिस है, हमारी है। क्या ये तुम्हारे आदमी है? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम इनके आदमी नहीं हो सकते हो। मेरी रानी, मेरी रस की भरी, रस भरी मेरी कॉक रोचनी, जब से तू इस गांव में आई है मेरे दिल पर कॉकरोच की तरह रेंगती है। मुझ में इतनी आग है कि जलाकर राख कर दूंगी तुझे। तू जलाकर राख कर देगी मुझे? रस भरी को हाथ लगाया तो हाथ काट कर हाथ में दे देगी। हाथ काट कर हाथ में दे देगी? Thank you.
हार चुके हो। साली भोली भाली करनी पड़ेगी बेचारी की रखवाली, नहीं तो दूध के डिब्बे हो गए खाली खाली। इमीडिएटली तुम चाचा जी को लंदन फोन लगाओ, अर्जेंट। सर मिस लिली ऑन द लाइन। ए लिली, तुम अपने को क्या समझती हो? वो अपने आदमी नहीं, पुलिस के आदमी हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो दोनों हमारे आदमी नहीं हैं? उन्होंने मार मार के मेरा कॉकरोच बना दिया। तुम गधे के गधे ही रहोगे। वो लोग तुम लोगों से कहीं ज्यादा अकलमंद है। अच्छा हुआ जो उन लोगों ने तुम्हें गांव वालों के सामने मारा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो गांव वाले उन्हें नकली पुलिस वाले समझते, और सलीमपुर थाना तक अगर ये खबर पहुंच जाती तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। आइंदा उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जो भी करें उन्हें करने दो। मेरे प्यारे प्यारे आप लोग यहाँ जल्दी से आओ, तुम्हारी बहन गायत्री, क्या हो गया तुम्हें? शांति नहीं, हम तेरे भाई हैं। मैं वीरू, ये धीरू। हाँ भाई। हाँ तेरे भाई। भाई मेरे भाई आएंगे, जरूर आएंगे। ये तिरंगा फिर लहराएगा, फिर सब गाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे ए हमारा, झंडा। आप दोनों गायत्री के भाई हो? हम बदनसीब ही उसके भाई हैं। हे भगवान, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। वाकई बहन के प्यार में बड़ी ताकत होती है। गायत्री की पुकारी आप दोनों को यहाँ खींच कर ले आई है। लेकिन उसकी ये हालत हुई कैसे? उस दिन 14 अगस्त का दिन था,
राजनगर के हर कोने में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक इंस्पेक्टर बाबू और गायत्री गांव में आई। अब्दुल चाचा ने इंस्पेक्टर बाबू को गांव के लोगों की दर्द भरी कहानी सुनाई और अब्दुल चाचा के मुंह से गांव की दर्द भरी कहानी सुनकर कहने लगे, राजनगर के वासियों, मैं वचन देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं किसी बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी, कहीं भी खौफ के बादल नहीं मंडराएंगे। सारे देश की तरह कल ये गांव भी नाचेगा, गाएगा, खुशियां मनाएगा। कल यहां भी अपना तिरंगा लहराएगा। कल के लिए एक बड़ा तिरंगा बनाया जाए, क्योंकि कल एक बच्चे की नहीं आदमी की बलि दी जाएगी, आदमी की। और फिर बड़े मुर्दे के लिए कफन भी तो बड़ा ही होना चाहिए ना। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। ये झंडा तूने लगाया है? लगाना तो तुमको चाहिए था, लेकिन अच्छे काम करना हर किसी की तकदीर में नहीं होता। तकदीर? हमारी तकदीर कौन लिखेगा?
क्योंकि सारे जहां की तकदीरें तो हम लिखते हैं हम, और इसलिए तेरी तकदीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है। लेकिन तुम्हारी तकदीर में तो कफन भी नहीं है, कफन सिर्फ इंसानों के नसीब में होता है। इंसान आता नंगा जरूर है लेकिन जाता कफन पहनकर, लेकिन कुत्ते कुत्ते आते भी नंगे और जाते भी नंगे। तुम एक कुत्ते हो और कुत्ते की मौत मरोगे। अपनी ताकत का झूठा भ्रम दिखाकर इन मासूम गांव वालों को बहकाने वाले पुलिसी ये कुत्ते कुत्ते की मौत मरना क्या होता है ये आज हम तुझे बताएंगे। मेरे इन आदमियों के हाथों में मशीन गने हैं और एक एक मशीन गन में 100-100 गोलियां है जो मेरे इशारे पर तेरे शरीर को छलनी करके तेरी हड्डियों तक को नंगा कर देंगी। तू इस दुनिया में आया भी नंगा, जाएगा भी नंगा। अर्जुन टांगे, तू राजा जयचंद की ताकत को नहीं जानता और तू भी एक हिंदुस्तान की हिम्मत को नहीं जानता। ये मत समझ कि मैं अकेला रह गया तो हार गया। मेरे साथ सारा गांव है, सारा देश है। मशीन गनों की जगह तोपे लगा ले और तोपे में एक एक की जगह हजार हजार गोले भर दे और बुला ले देश के सारे गद्दारों को, इकट्ठा कर ले अपनी सारी ताकत को और हो जाने दे फैसला। देखता हूं कौन जीतता है, देश के दुश्मनों की ताकत या एक देशभक्त की हिम्मत। देशभक्त? है देशभक्त की हिम्मत? बंदर हिंदुस्तानी बंदर। देखा है हिंदुस्तानी का कमाल? अबे साले, मेरा नाम है राणोजीराव रामोजीराव शिवाजीराव गायकवाड़ जाड़ी चमुलक अर्जुन ठांगे। होल्ड! अरे एक देशभक्त की हिम्मत तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तेरी 100-100 गोलियां वाली फूल जड़िया एक मामूली से देशभक्त का जिस्म भी नहीं छू सकी। क्या इसी ताकत की भ्रम पर तो इस धरती का खुदा बना हुआ था? सारे जहां की तकदीर लिखने वाले, आज तेरी तकदीर हमारे हिंदुस्तान के ये छोटे से गांव के ये मासूम लोग लिखेंगे। और उससे पहले तेरी आंखों के सामने इस तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मनाया जाएगा। ¶¶
अपना है राज फिर काहे का राजा, राजा का हमने बजा दिया बाजा। अपना है राज फिर काहे का राजा, राजा का हमने बजा दिया बाजा। Yeah.
से बंदर की तरह गुलाटी लगा रहा था। अरे ये कोई रावण की लंका थोड़ी है जो कोई हनुमान आकर उसे जला दे। ये हमारा राजनगर है, हमारा राजनगर। यहाँ राजा का बाजा कोई नहीं बजा सकता, राजा ही सबके बाजे बजाता है। मत मारो मेरे अर्जुन को। तूने मेरा ये झंडा उतारा था, अब तू ही मेरा ये झंडा लगाएगा। तेरी गोलियां सिर्फ मेरे जिस्म को जल्दी कर सकती है, मेरी हिम्मत को नहीं। मेरे जीते जी ये झंडा नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मारो साले को। या अल्लाह, तो उस पे धोखे से वार किया और उस पर चार चार शैतान एक साथ टूट पड़े। तुझे शर्म नहीं आती कमीने? शर्म? शर्म? शर्म तो आनी ही चाहिए, शर्म तो बहुत जरूरी है। क्यों बोल, तू झंडा उतारता है या सब गांव वालों के सामने तेरी बीवी के मैं कपड़े उतारू? उतारू? बोल, उतारू कपड़े? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं अर्जुन, अर्जुन तुम हिम्मत मत हारना। मेरी इज्जत इस देश की इज्जत से बड़ी नहीं है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मेरे तन के कपड़े भले ही उतर जाएं, लेकिन ये झंडा मत उतारना, मत उतारना ये झंडा अर्जुन। देखा कुत्ते, ये है भारत की नारी, और जब तक हमारे देश में ऐसे नारियां हैं, एक जयचंद क्या, तेरे जैसे हजार जयचंद भी इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये झंडा कभी नहीं झुका सकते, कभी नहीं झुका सकते। झंडा तो उतरेगा, जरूर उतरेगा ये झंडा, ये झंडा जरूर उतरेगा। राजा के अत्याचार ने गायत्री की याददाश्त छीन ली, उसे पागल सा बना दिया और छोड़ दिया उसे पल पल मरने के लिए। हमको इंतजार है इस संसार में।
से तू झूम झूम के गाती थी, कभी कभी तू प्यार से छोटी बहन से माँ बन जाती थी। राजा जयचंद को मारने जा रहे थे, जबकि ये भी नहीं जानते कि वो रहता कहां है। हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे कमिश्नर साहब। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी सरकार हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। हम कब चाहते हैं कि तुम उसे छोड़ो? सरकार ने तुम लोगों को भेजा ही इसीलिए। हमें ये जहरीला पेड़ जड़ से काटना होगा, तभी हमारा मिशन सफल होगा। और उस वक्त तक तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र, सब्र, सब्र एक छोटा सा लफ्ज है और उसे बोलना भी आसान है, पर बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाले भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। सर, आपकी बहन या बेटी पागल हो गई होती, उसके पति को मार दिया गया होता, तो आप सब्र कर सकते थे? कर सकते थे आप सब्र? सब्र, आज तक तो मैं सब्र ही करता आ रहा हूं। मैंने तुम दोनों को एक बात नहीं बताई है, लेकिन आज बता ही देता हूं। वीरू, तुम अपनी मंगेतर शीला को तो नहीं भूले होगे ना? शीला? आप शीला को कैसे जानते हैं? मैं उस शीला का दादा हूं, मेरी पोती थी। शीला की हत्या ने तुमसे तुम्हारा सब्र छीन लिया और तुमने उसके हत्यारे बॉब को जान से मार डाला, लेकिन मैंने अपना सब्र नहीं खोया, क्योंकि मैं जानता था कि शीला के हत्यारे बॉब को मार डालने से देश के दुश्मन खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बॉब देश में फैले हजारों आतंकवादियों का सरगना नहीं था, वो उनमें से एक था। देश में फैले हजारों आतंकवादियों के सरगने
राजा जयचंद को और उसके विदेशी साथियों को एक साथ खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने सरकार के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तुम दोनों को जेल से फरार कराया और गुंडों के रूप में मशहूर करवा दिया, और तुम्हारी ये शोहरत रंग लाई। तुम छेदीलाल से मिले, छेदीलाल ने तुम्हें लीली तक पहुंचा दिया, और लीली को राजा जयचंद के लिए दो गुंडों की जरूरत थी, इसलिए तुम आज यहां तक पहुंच पाए। लेकिन एक बात तुम दोनों को याद रखनी है, इस लड़ाई में तुम सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो, भाई नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई किसी बेटी, बहन या प्रेमिका की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, आने वाली पीढ़ी की है। इसलिए इस लड़ाई को जीतने के लिए तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला काम, राजा जयचंद के खुफिया अड्डे का पता लगना। दूसरा, 15 अगस्त से पहले यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें देश के गद्दारों के साथ साथ दुश्मन देशों के एजेंट्स भी शामिल हो रहे हैं। हमें उन सबको एक साथ गिरफ्तार करना है। तीसरा काम, तुम दोनों अपनी बहन से नहीं मिलोगे। अगर राजा जयचंद को जरा भी शक हो गया कि तुम दोनों उसके भाई हो, तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बड़ी होशियारी से रहना होगा। राजा जयचंद के आदमी यही समझें कि तुम शराबी, गुंडे, लफंगे हो, तुम उन्हीं के लिए काम करते हो, और उन्हीं के बीच रहकर तुम्हें सब कुछ पता करना पड़ेगा, और जो कुछ पता लगे मुझे सलीमपुर थाने में रिपोर्ट करो। आगे राजा, लेट्स फॉलो। अजीब ट्रैप बना रखे हैं, कहीं सुरंग कहीं खड्डे। इसलिए हमें सबसे पहले झाड़ियों में छुपे हुए तमाम ट्रैप्स और सुरंगों का पता लगाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि राजा गया किस तरफ है। कोई 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ को काट कर एक खुफिया गुफा बनाई थी। इस गुफा का पता सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं है, really? इसलिए हमने इस गुफा को अपना कंट्रोल सेंटर बना लिया। आइए।
Oh, it's so beautiful. Sit down, sit down. Come on, baby. Come on, come on. Come on, baby. Come on. No, no, please, Mr. Jaichand. डरिए नहीं, पालतू है, पालतू. अगर ये एक बार किसी को सूंग ले ना, तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है. जिस काम के लिए दूसरे लोग कुत्ते पालते हैं, आपने शेर पाले हैं. कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं. सुरक्षा की नजरिए से हम सब लोगों के लिए जगह बहुत अच्छी रहेगी. थैंक यू मिस्टर एंडी, थैंक यू वेरी मच. डोंट वरी, मैं हाई कमांड से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ब्लैक टॉवर की मीटिंग यहीं पे हो. थैंक यू मिस्टर हैमर, थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग लंबे सफर से थके होंगे, आराम कीजिए. यू आर राइट. भूषण जी, सर, इन मेहमानों को उनके कमरे दिखाओ. सुना तुमने लीली? सुना क्या कहा मिस्टर हैमर ने? सुना कि वो हाई कमांड से दरख्वास्त करेंगे कि ब्लैक टॉवर ग्रुप की मीटिंग यही हो जाए, यही. लीली, लीली, अगर ये मीटिंग यही हो गई तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे. मैं फिर से राजा बनूंगा, पूरे देश का राजा. ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा चाचा जी, जब तक वो दोनों कॉकरोच उस गांव में हैं. वो हमारे आदमी नहीं, असली पुलिस के आदमी हैं. देखा, देखा आपने, फिर वही बकवास. ये बकवास नहीं है चाचा जी, मैं सच कहता हूँ. उन्होंने खुद कहा है कि वो असली पुलिस के आदमी हैं. वाह, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? ब्लाइंड फूल, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते चाचा जी? मैंने सुना है चार रोज पहले एक बड़ा कॉकरोच, मेरा मतलब पुलिस का बड़ा अफसर, उनसे मिलने भी आया था. तो क्या हुआ? हाँ, दुनिया की नजरों में वो लोग पुलिस वाले हैं, तो पुलिस के अफसर तो मिलने आएंगे ही ना. तुम ठीक कह रही हो लेली, लेकिन कभी कभी बेवकूफ भी गलती से अकल की बात कह जाता है. वो दोनों भाड़े के टट्टू है. टट्टू एक मथुरे का दुधैया है और दूसरा अग्निपाड़े की टंकी है. टंकी पैसों के लिए डबल क्रॉस भी कर सकते हैं, इसलिए दोनों पर नजर रखो. कदी ना देखता है, देखने दे, देखने दे. My black ram with full of pocket chana, Viru baje ghanaing. Viru, साले राजे की गाड़ी उस दिन इस तरफ से गई थी और उस पहाड़ के पीछे चली गई थी ना? हाँ, इसी रास्ते से गई थी और उस पहाड़ के पीछे गायब हो गई थी. कब तक छुपी रहेगी ये गाड़ी? एक ना एक दिन हाथ लगे. हाँ, हाथ तो आएगी ही. देखो क्या है, इस काली ने अड्डा बनाया, बड़ी खूबसूरत जगह है. हाँ, है तो बड़ी खूबसूरत. चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर देखते हैं ये रास्ता जाता कहाँ है. थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं ना? क्यों रुक जाते हैं जी, काम के लिए आए या रुकने के लिए आए? चल. ये पहाड़ी है तो बड़ी आड़ी टेढ़ी यार, इस पे चढ़ पाएंगे? ये पहाड़ी? ऐसी पहाड़ी तो मैं कई बार चढ़ चुका हूँ. ये हंसी की आवाज कहां से? हंसने की आवाज? हाँ, मौसम अच्छा है ना तो वादियां भी हंसती हैं, पेड़ भी हंसते हैं, नदी भी हंसती है. वादियां भी हंसती हैं, आगे से हंसती हैं, पीछे से हंसती हैं, हर जगह से हंसती हैं. हैं? अरे वो एक रास्ता मुझे नजर आया. रास्ता? चल उधर देखते हैं.
मैं मर गया, मेरा क्या घुटना मोच आ गई, मैं नहीं चल सकता। तो फिर कल चलेंगे। नहीं, एक काम कर, तू देख क्या उसके आगे रास्ता मिलेगा या नहीं। मैं देख के आऊं। देख क्या ना, किसी और दिन चलेंगे। और दिन क्यों यार, आज वेस्ट करना है टाइम। जा भाई, नहीं मेरा जा, देख क्या, शाबाश, देख क्या ना यार। दिस इज अ ड्यूटी सिचुएशन, आई हैव टू गो एंड सिचुएट द सिचुएशन। जा बच्चा, देख क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरा दोस्त है, तुम उससे प्यार करती हो? और वो भी तुमसे प्यार करता है? हाँ। और वो ये कहता है कि वो तुमसे शादी करेगा? हाय मैं मर जाऊं। अच्छा उसने बताया कि वो मथुरा का रहने वाला है, कृष्ण कन्हैया की नगरी का। ये तो उसने बहुत पहले बताया था। देख कुड़िये, वो है शहर का रहने वाला और तू है गाँव की भोली भाली। और वो मिल्किंग गाय, मिल्किंग भैंस, मिल्किंग बकरी एंड मारिंग खोआ, एंड यू आर मारिंग कुल्हाड़ी ऑन योर पैर। ये अचानक आपको क्या हो गया? मुझे थोड़ा सा इंग्लिश एरिया हो गया। यू डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। मुझे डर है कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हें वो जब भी तो नहीं डाली? अभी तक तो नहीं। नहीं डाली तो शुक्र है। मतलब ये कि वो एक बार किसी लड़की को छू ले तो फिर लड़की लटकी लटकी लटक गई। क्या वो लड़कियों को छूता है? अजी वो बेचारा कहाँ छूता है जी, ये लड़कियां ही ऐसी हैं जो उसे छूती हैं। मैं उसे अभी ठीक करती हूँ। वो मुझे, मेरा दोस्त तो बहुत शरीफ है। वो क्या, वो शहर, देखो तुम हो गांव की लड़की, सीधी सादी भोली भाली जी, और ये आया है शहर से। अब इसे यहाँ के तौर तरीके थोड़ी पता है। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे कहो कि देखो पहले शादी करो फिर छूना, उंगली भी नहीं लगाने देना उसे। पहले शादी करो फिर छूना। जनाब प्रसाद, ये आशिकों के लिए होता है और घोड़ों के लिए। शुक्रिया जी। जा चढ़ जा राशि लेकर। बच्चू, शहर वालियों को पटा लेता था, ये गांव वाली तेरी स्त्री करेगी, बल निकालेगी तेरे। छुना मत, छुना मत। अरे अभी तो छूने को कह रही थी, ये अचानक क्या हो गया? वीरू जी ने कहा था। क्या कहा वीरू ने? उन्होंने कहा था कि शादी से पहले छूने मत देना। अरे पगली, वो क्या जाने पारिवारिक जीवन का सुख क्या होता है, गलत शिक्षा देकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कैसी बातें करते हो, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अरे उसकी बात मान ली तो जिंदगी बर्बाद कर लोगी। वो कैसे? देखो शादी से पहले माँ बाप अपनी बेटी को खाना पकाना सिखाते हैं, घर का कामकाज सिखाते हैं, पति का बिस्तर लगाना सिखाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब तुम ससुराल जाओगी तो अपने पति के लिए अच्छा खाना बना सको, उसका बिस्तर लगा सको, उसकी सेवा कर सको, ठीक है ना? ये तो ठीक है। हाँ, अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें प्यार करना सिखाया? वो तो नहीं सिखाया जी। सत्यानाश हो, शादी से पहले प्यार करना नहीं आया तो पति की सेवा कैसे करोगी, उसे खुश कैसे रखोगी? और अगर पति को खुश नहीं रख सकी तो पारिवारिक जीवन सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे बाप रे। और लोग कहेंगे बहू फूड़ है, उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं सिखाया। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कौन प्यार सिखाएगा? परेशान मत हो, मैं सिखाऊंगा जी। हाँ वो कैसे? अपना हाथ लाओ। तनु ना ना ये फूलों का मौसम, ये झूलों का मौसम, अरे भूल न कोई करना है भूलों का मौसम। तेरे बिना जग लगता है सोना,
लगता है सोना। शादी से पहले मुझे नहीं छूना, तेरे बिना जग लगता है सोना, तेरे बिना जग लगता है सोना।
से चुरा के क्या खा रही है? हाँ, जानती नहीं यहाँ राजा जयचंद का राज है। यहाँ के एक एक दाने पे राजा जयचंद की मोहर लगी है और तू ये सब खाए जा रहे। तुझे किसने कहा था यहाँ से उठाने के लिए? आज यहाँ से जानती नहीं यहाँ किसी को पानी की बूंद नहीं मिलती उसकी मर्जी के बगैर। तू ये सब खाए और तेरे पति ने जानती है क्या किया था? उसका क्या हुआ यहाँ कभी? गायत्री तेरी बहन क्या हालत हो गई है तेरी? हम भाइयों के होते हुए तुझे कुत्ते बिल्लियों की तरह पूरे करकट से खाना खाना पड़ता है। हम मर क्यों नहीं गए? ये तो जुल्म की इंतहा है। तो मुझे नहीं पहचानती? मैं वीरू हूं तेरा भाई। हाँ देख देख मुझे पहचान। मैं वीरू हूं। हाँ वीरू। तुझे भूख लगी है ना? ये ले ये ले ये खा 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 ले। ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों यहाँ आ गए हैं। मैं और धीरू यहाँ आ गए। सब ठीक हो जाएगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे। रॉयल टाइगर कॉलिंग महाभारत। रॉयल टाइगर कॉलिंग महाभारत। महाभारत स्पीकिंग सर। कुछ पता लगा? अभी तक रास्ते का तो पता नहीं चला। पता लगते ही खबर देना। और तुम्हारी बहन कैसी है? बहन अच्छी है सर। जिसके दो हट्टे कट्टे भाई हों उसे किस बात की फिक्र हो सकती है? रहने के लिए खंडर है, खाने पीने के लिए कूड़े करकट के ढेर हैं। जहां जी चाहे सो लेती है, जहां जी चाहे खा भी लेती है, हंसती रहती है, गाती रहती है। और फिर पागल ही तो हुई है, मर तो नहीं गई। जो हम आंसू बहाए, आप ही ने तो सब्र का हुक्म दिया है, आप ही ने तो फर्ज निभाना सिखाया है। Yes, sir. अरे क्या हुआ तेरे घुटने को? घुटने को कुछ नहीं हुआ, वो वैन आ रही है राजा की। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। वैन आई है तो जाएगी भी? आए जाएगी तो उसकी डेन तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। बड़ा समझदार हो गया तू। अरे इसमें तो रूप की मटकी है। हाय हाय। हाय क्या अंदाज है? और क्या खूबसूरती है? और क्या क्या आंखें? और क्या होंठ हैं? और वाह क्या क्या फिगर है, क्या फिगर है? और
तुम्हें देख के मैं पागल हो गया हूँ। और जी चाहता है तुम्हें बाहों में भरकर हमेशा देखता रहूं। और हम हो, तुम हो और तन्हाई हो। और हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और क्या? मिस्टर धीरेंद्र, इस वक्त 10:05 हो रहे हैं और ठीक 10 बजे आप और आपके दोस्त ने मेरी वैन को आते हुए देखा था और तभी आपने कुछ प्लान बनाया और उसी प्लान के मुताबिक आपने अपने दोस्त को यहाँ से रवाना कर दिया ताकि आप मुझ पर डोरे डाल सकें। लेकिन मिस्टर धीरेंद्र, पूरे 5 मिनट में आप एक लड़की को नहीं फंसा सके तो राजा जयचंद को क्या मारोगे? ये आप क्या कह रही? बनने की कोशिश मत करो। जिस काम से तुम यहां आए हो उसी काम से मैं भी आई हूं। हम दोनों का मकसद एक है। ये कैसा मकसद? मैं पुलिस में अर्जुन डांगे के साथ थी। मैं समझा नहीं। राजा जयचंद मेरे भाई का हत्यारा है, मेरी माँ का हत्यारा है, मेरे पिता का हत्यारा है और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। हाँ, बदला। और इसीलिए मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें वहां रखवाया है। हम दोनों मिल जाएं तो हम राजा जयचंद को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, अपना बदला ले सकते हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? क्या सोचने लगे आप? देखिए, हम चोर बदमाश जरूर हैं, लेकिन बेईमान और धोखेबाज नहीं। जिसका नमक खाते हैं उसके साथ गद्दारी नहीं करते। याद रखिए, राजा साहब के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। आइंदा ऐसे सोचा भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा साहब के भतीजे साहब, जरा इधर आइए, जल्दी आइए ना। एक मिनट, रिलैक्स। ये जनाब आप पर शक कर रहे थे, इन्हीं का शक दूर करने के लिए मैंने आपका इम्तिहान लिया। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि ये लोग राजा साहब के ही आदमी हैं। अब आप चुपचाप जाकर वैन में बैठ जाइए। आपकी तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। वेरी स्मार्ट। थैंक्स। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। बस राजा साहब के दर्शन करवा दीजिए। राजा साहब की मर्जी के बगैर उनसे कोई नहीं मिल सकता और ना ही उनकी देन तक कोई पहुंच सकता है। जब उनकी मर्जी होगी वो खुद ही आपको बुलवा भेजेंगे। आप अपनी तरफ से कभी कोशिश मत करिएगा और यही आपके लिए अच्छा होगा। कोशिश तो शुरू हो गई है। सुनो, हमें इस वैन के पीछे रहना है और ये निशान जो है ना, इन्हें मिटाते हुए जाना है ताकि किसी को शक ना हो। और तुम यहीं रहना। जी, चलो। अरे, ये सब लोग उस गाड़ी के पीछे भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? ये वीरू के पीछे जा रहे हैं। वीरू के पीछे? राजा का अड्डा पता लगाने के लिए वीरू की गाड़ी के नीचे छुप कर जा रहा है। क्या? हे भगवान, वो तो मर जाएंगे, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। क्या किया इन लोगों ने? क्यों, आपको उनका अड्डा मालूम है? उनका अड्डा नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि राजा के अड्डे के रास्ते में एक पुल पड़ता है। उस पुल पर से कोई भी आदमी गाड़ी के नीचे छुप कर नहीं जा सकता है। अरे बाप रे! धीरो! Thank you.
क्यों, क्या हुआ? वीरू जी को गाड़ी के नीचे छुपकर क्यों जाने दिया? वो पुल से पार नहीं हो सकेंगे, वो मर जाएंगे। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, आखिर मैं इस गांव में रहती हूँ, कुछ तो राजा और उसके अड्डे के बारे में जानती होंगी, मगर तुमने जरूरत नहीं समझी पूछने की। धीरू, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तुम इस रास्ते से पुल तक गाड़ी से पहले नहीं पहुँच सकते। वहाँ एक रास्ता है मगर बहुत मुश्किल है, अगर तुम जा सको तो गाड़ी से पहले पुल तक पहुँच सकते हो और वीरू जी को बचा सकते हो। मैं अपने यार के लिए हर मुश्किल पार कर सकता हूँ, तो ये रास्ता क्या है? नाम भी वीरू है, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। वीरू, वीरू। हे भगवान, शुक्र है भगवान का, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, ये मामूली खराश है। लेकिन दुख इस बात का है, ये मौका मेरे हाथ से चला गया, ये वैन निकल गई मेरे हाथ से। 15 तारीख नजदीक आ रही है, ना तो उनकी मीटिंग की तारीख का पता चल रहा है और ना उनके ठिकाने का, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। रास्ता मिल जाएगा मेरे दोस्त, रास्ता मिल जाएगा। अरे भूतनी की, ये रिश्ते रेहरिया हो, मैं तो मरने जा रही हूँ। क्यों मरने जा रही है तुम? क्यों मरने जा रही हो? तुम पूछ रहे हो मैं क्यों मरने जा रही हूँ? मेरी आंखें देखो, दिखाओ। इतनी खूबसूरत आंखें देखी है तुमने? कभी देखी है तुमने? नहीं 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 देखी ना। मेरी कमर देखो, एकदम लट्टू जैसी है ना। अगर मैं एक झटका दूं तो सारी दुनिया हिल जाती है। हिल गया ना? मेरी चाल देखो, मेरी ढाल देखो, मेरे बाल देखो, मेरे गाल देखो, मेरी सारी खूबसूरती देखो। अपने हाथ पर दिल रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताओ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? नॉट इवन इंग्लिस्तान में, नॉट इवन अफगानिस्तान। किसी भी स्थान में नहीं, किसी भी स्थान में नहीं है ना। मगर क्या फायदा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई शादी नहीं करता, इसलिए कि मैं रोज एक बोतल दारू पीती हूँ। अरे तो क्या हुआ, एक बोतल पी की बोतल? और साला वो पंडित कहता है मेरी शादी सिर्फ उसी से हो सकती है जो मुझसे ज्यादा दारू पीता है। अगर ऐसा ना हो तो वो सुहाग रात को ही
अरे अरे तो नो प्रॉब्लम, मैं रोज दो बोतल पीता हूँ। तीन पीता है, चार बाटली पीता है, चार बाटली पी के कपड़ा धोता है। अरे चुप भूल गए, सब झूठ बोलते हैं। एक पीता हूँ, दो पीता है, चार पीता हूँ, पी के दिखाओ। अरे तुम, तुम्हारे पास है दारू? हमारा गाड़ी में दारू कबार है, तो लेके आओ ना। बताए तो जो ज्यादा पिएगा मैं उसी से शादी करूँ। जल्दी जाओ। अरे उधर अरे,
शाम को आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने को रवाना हो जाओगे, लेकिन जाने से पहले हमारे प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ लो। 14 अगस्त की रात को यहां ब्लैक टॉवर ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे। लोगों ने करोड़ों रुपया खर्चा करके ये एक गैस कैप्सूल बनवाया है। ये छोटा सा कैप्सूल कई बमों से ज्यादा खतरनाक है। इस गैस कैप्सूल का कॉन्टैक्ट कंप्यूटर से है। जैसे ही हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, ये गैस कैप्सूल फटेगा और इसमें से एक जहरीली गैस निकलेगी और 500 गज के दायरे में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और हजारों की तादाद में ये गैस कैप्सूल रोजमर्रा की चीजों में छिपाकर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिए गए हैं। और ये है बैलिस्टिक मिसाइल 3X। 14 अगस्त की रात को 12 बजने में 10 मिनट पर यह बत्तियां जलेगी और यह मिसाइल राजधानी पर गिरेगी और उसी के साथ ही इस आजाद देश की बर्बादी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। चारों तरफ कैप्सूल्स फटेंगे, जहरीली गैस फैलेगी, कोहराम मच जाएगा, हर तरफ लाशें लाशें नजर आएंगी और हमारा ये मिशन सफल होते ही बाहर की ताकतें इस देश पर हमला कर देंगी। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी, बर्बादी। समझ गए तुम लोग? यस सर। और तुम लोग भी समझ गए होंगे मिस्टर वीरेंद्र और धीरेंद्र? मैंने कहा था ये वही दोनों कॉकरोच और कॉकरोच हैं। नहीं नहीं, इन्हें बंदूकें मत दिखाओ, बच्चे डर जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, शाम तक तुम्हें हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचना है। जाओ। मिस्टर वीरेंद्र और धीरेंद्र, तुम लोग समझते थे कि हमें धोखा देकर बड़े आसानी से यहां तक पहुंच जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और समझते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें बहादुरी और चालाकी के लिए 100 में से 100 नंबर मिले थे। क्यों ले ली? अब इनकी दगाबाजी और तुम्हारी बेवकूफी के लिए तुम्हें कितने नंबर दिए जाएं? इनकी दगाबाजी और मेरी बेवकूफी के लिए आप क्या मुझे नंबर देंगे सर? मैंने आज तक किसी की भी पहली गलती और दूसरा मजाक माफ नहीं किया, तो मैं अपनी पहली गलती कैसे माफ कर सकती हूं? लीली बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हमारे यहाँ गलती करने वालों को क्या सजा दी जाती है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं तुम दोनों को आत्महत्या भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुमने गलती नहीं धोखा दिया है, धोखा। और धोखा देने वालों को हमारे गार्ड ठोकर खा जाया करते हैं। तो फिर आज तक तुमने क्यों नहीं खाया? दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। इस देश ने मेरा राज छीना है
मैं इस देश को छीनना चाहता हूँ और सूद समेत अपना हक वापस लेना कोई धोखा नहीं होता। और एक सिपाही के लिए देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए धोखा देना धोखा नहीं होता। अच्छा सिपाही, ठीक है तो फिर हम भी देखेंगे कि जिस देश पर हम राज करना चाहते हैं उस देश के बेटों में कितना दम है। जाओ और जाकर अपने भारत माता को वो सब कुछ बता दो जो हमने जानबूझकर तुम्हें बताया है। जाओ, दरवाजा खुला है। बताना तो भूल ही गया, ये चार आदमखोर और कोई नहीं बल्कि वही शैतान है जिन्होंने अपने पांव तले कुचल कुचल कर तुम्हारे बहन के पति अर्जुन सिंह टांगे को मारा था। इन्हीं की वजह से तुम्हारी बहन पागल हुई है। गुड बाय जयचंद, तूने जिंदगी में बुरे ही काम किए हैं लेकिन आज इनकी शक्लें दिखाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद तू इनकी शक्ल नहीं देखेगा।
की खबर अपनी भारत माता को नहीं दे पाओगे, तुम सलीमपुर थाने तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? के बेटों देखा, तुम्हारे तमाचे का जवाब हमने किस धमाके से दिया है देखा? धमाका तो अब हम करेंगे साले। आज तो अपनी मां का ऐसा नजारा देखेगा जो आज तक न कभी किसी शैतान ने देखा है और ना कभी कोई शैतान देखेगा। मौत का नजारा तो तुम देखोगे, तुम सारा गांव देखेगा, ऐसा नजारा जो आज से पहले ना किसी फरिश्ते ने देखा होगा और आज के बाद ना कोई फरिश्ता उसे देख पाएगा।
ये मेरे साथ जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं, जानते हो ये कौन है? स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये वही ब्लैक टॉवर ग्रुप के खास लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करने तुम यहां आए थे। ये मेरे मेहमान 15 अगस्त को आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें आज ही बुला लिया। ये आज रात 12 बजे यहां से रॉकेट छोड़ेंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गिरेंगे और तुम्हारी भारत मां के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे, तुम्हारी हिंदुस्तान की आबादी भी थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी और फिर इस देश पर हम राज करेंगे। हम राज तो तुम तब करोगे राजा जयचंद जब यहां से जिंदा निकलोगे, और ये विदेशी कबूतर भी रॉकेट तब छोड़ेंगे जब यहां से बचकर निकलेंगे। आज 12 बजने से पहले हम तुम सबकी बजा देंगे। ओ, तुम भी गाना गाओगे? देशभक्ति की डुगडुगी बजाओगे? डुगडुगी बंदर कहे, ये हिंदुस्तानी सरकार मुझे क्या मदारी समझती है? पिछले साल एक बंदर भेज दिया था, इस साल दो बंदर भेजती है। अब बजाता हूं तुम्हारी डुगडुगी। नहला दो पेट्रोल से सालों को। नाचो नाचो बंदरो नाचो। वाह राजा जयचंद, वाह, कितने इतरा रहे हो हम पर पेट्रोल छिड़ककर। अब फेंको मशाल, लगा दो आग हमें। लेकिन इतना याद रखना, रावण की लंका को जलाने के लिए एक ही राम भक्त था, लेकिन आज तेरे क्रियाक्रम के लिए दो दो देश भक्त आए हैं। इसी मशाल से हम तेरी चिता को ताक देंगे। फेंक मत होते दूधिए और टंकिए, जो शेर पालते हैं ना शेर, वो बंदरों की घुड़कियों से डरा नहीं करते, समझे? गली के कुत्ते की तरह तुपका बैठा है। हाँ, तो तू हमें जिंदा जलाने वाला था? हाँ,
राजधानी पर रॉकेट छोड़ने वाला था, भारत मां के चिथड़े उड़ाने वाला था। अब तू देख, अब तू अपने चिथड़ों की सूरत देख। भूतनी के आज रसपरी तेरा रस निकालेगी, आज तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब चुकता होगा। शुक्र है हमारी बहन की याददाश्त वापस आ गई। काश तेरी जगह हम पागल हो गए होते तो तेरी ये दुर्दशा तो नहीं देखते। किस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह तुझे जिंदगी गुजारनी पड़ी। भैया इस राक्षस ने तुम्हारी बहन की क्या हालत की? हम जानते हैं, लेकिन हमने तेरा बदला ले लिया गायत्री। देख उस राक्षस को देख। Thank you.
शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। स्वतंत्रता है ये हमारा, स्वतंत्र